हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा रहा आपका दिन करवा चौथ का? तो अब मैं आज अपना दिन बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। सुबह सारे काम करने के बाद जब बर्तन धोने का टाइम आता है तो उसी टाइम सोचते हैं सारी सफाई कर दे किचन की। तो खाना मैंने बना के रख दिया था, बट बच्चे नहीं खा रहे थे तो उनको थोड़ा सा कुछ हटके बनाया। पराठे थे, उसी में आलू का मसाला और चीज़ डाल के उसका टैकोस जैसे बना के दिया उनको, जिससे बच्चे अच्छे से खा लें। तो मेरे को आज ज़्यादा उनसे दिमाग नहीं खाना था कि ज़्यादा बोलेंगे तो प्यास लगेगी, तो इस तरह से उनको बना के दिया तो उन्होंने आराम से खा लिया। तो लेडीजों के काम ख़त्म नहीं होते, भले उनको भूखा प्यासा रहना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों को तो देखना ही होता है। तो इस तरह से मैंने उनको बना के दिए, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाय के साथ खाओ, बच्चे को भूख लगे, अगर उनका रोटी खाने का खाना खाने का मन नहीं हो रहा तो भी इस तरह से दे दो तो वो आराम से खा लेते हैं। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी में से आलू का जो पेस्ट बनाया था उसमें नमक और काली मिर्च डाली थी थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं डाला, और सिर्फ चीज़ डाली और सॉस लगा के उनको दे दिया था। तो इस तरह से मैंने इनको बना के दिया। उसके बाद खाना भी बनाया था और बच्चे बड़े तंग कर रहे थे, बार बार आके मेरा ट्राईपॉड गिरा रहे थे जानबूझ के, तंग कर रहे थे, वो नहा ही रहे थे। मैंने बोला कि नहा के आओ, तो घर भी सारा फैला पड़ा है। जब कलर वगैरह होता है ना तो घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ पड़ा रहता है, साथ ही साथ सफाई भी चल रही है मेरी। तो इस तरह से मेरा दिन निकला। और उसके बाद शाम को तैयार भी होना था खाना बनाने के बाद। कपड़े भी मेरे सारे गीले ही हो जाते हैं बर्तन धोती हूँ तो, ये देखिए पेट मेरे टमी गीली हो गई है। कोई नहीं, चलता है, बच्चे तंग कर रहे हैं तो उनको भी डांट। अब वॉइस ओवर मैंने इसलिए दिया, नहीं तो मैं उस तरह से भी दे, ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के ये रेडी हो गए हैं। अब बच्चे आराम से खा लेंगे और मैं अपना खाना बना लूँगी। तो मैंने सेविया की खीर बनाई थी, डायरेक्ट इसी में मैंने बादाम डाल दिए थे तो वो साथ ही रोस्ट हो गए थे। अब इसी में मैं डायरेक्ट दूध डाल दूँगी। इस दिन तो ऐसे लगता है कि झटपट जल्दी से बन जाए, बस कुछ भी बने। तो शाम मैंने 4-5 बजे मैंने खाना बना के रेडी करके रख दिया था, क्योंकि फिर हमें 6 बजे से पूजा करनी थी। तो ये इलायची मैं लेके आई थी, तो इस तरह से मैंने ये कांच के बाउल में रखी, क्योंकि कांच के बाउल में ऐसे होता है कि ना कि वो दिख जाती है, इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता। किसी को भी ऐसे बच्चों को या किसी को बोलो तो वो निकाल के दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको खीर के लिए 2 इलायची भी कूट की डाली है, और ये हरी मिर्च मैंने काट के रख दी है। अभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। सोचा था पनीर बनाऊंगी बट अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है बनाने की और यहाँ खड़े होने की किचन में। तो इस तरह से मैंने ये खीर बना दी है। ये खीर बहुत झटपट बन जाती है, इसलिए मैंने ये खीर ही सोचा कि ये खीर ही बनाती हूँ सेविया की। उसके बाद मैंने बनाए आलू, मिठा के आलू, मतलब जो कढ़ी टाइप से भी बन जाएंगे, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया, कड़ी पत्ते, जीरा और राई डाली थी, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे बॉईल होने के बाद। इसमें थोड़ा सा छाछ, मट्ठा, लस्सी जो भी होती है वो डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच बेसन डालने से ये ना ये जो मट्ठा होता है वो फटता नहीं है और अच्छी बनती है, ऐसे लगती भी कड़े टाइप से, मतलब खट्टी और अलग ही वो टेक्सचर हो जाता है सब्ज़ी का, बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से अब जब उबाल आ जाए इसमें सब्ज़ी में, उसके बाद इसमें हमने मसाले डालने हैं, और जब मसाले डालने के बाद थोड़ी देर इसको और उबालना है, अच्छे से उबल जाएगा। वैसे आलू बॉयल्ड ही हैं तो हमें इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। उसके बाद ये पूड़ियाँ बनाई थी मेरे बेटी ने और हस्बैंड ने। उसके बाद हमने पूजा की। शाम को रेडी होने के टाइम तो मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो इधर आके मैंने ये पहनी है। आपको मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था कि मुझे क्या पहनना था, वो सारा कुछ इसमें दिया है। और उसके बाद पूजा हो पूजा करेंगे। पूजा मैं पीछे ही बैठी हूँ, ये भाभी हैं वो पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी लेडीज हैं, जब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने सब हम हर बार ऐसे ही सारे इकट्ठे होके करते हैं, मंदिर हम नहीं जाते हैं, हम घर पर ही इस तरह से नीचे कथा कर लेते हैं, उसके बाद चांद को रख देने ऊपर जाते हैं। आप भी इस तरह से करिए, कथा सुनिए। स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर तथा अपने घोड़ों के पैर छूकर और अपने पति की
यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत का वायना तथा पूजन विधि। करवा चौथ वाले दिन सर्वप्रथम व्रत करके सायंकाल को एक कहती हो तो करवा गेहूँ 3 रुपया सहित उनके यहाँ पहुँचा दें। जो उसके बाद चांद की पूजा की थी, आपको पीछे चांद दिख रहा होगा। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।